प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. तो प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं थोड़ी सी और उसका मेजरमेंट. सो एवरी सब्सटेंस हैज़ अ यूनिक और अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. दुनिया में जितने एलिमेंट हैं उतने उनकी उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं, उनकी शेप भी अलग है, उनके साइज़ भी अलग है. दैट इज़ वट वी लर्न. सो उनसे जो सब्सटेंस बने होंगे तो वो भी यूनिक होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी यूनिक होंगी. तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है, राइट? वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी? हर मैटर की दो ही चीज़ होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, देखने में कैसा लगता है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकली कैसा होता है. यदि हम फिजिकली की बात करेंगे, देखने में मीन्स कलर क्या है उसका, काला पीला तो नहीं है, बदबू तो नहीं आती है, ऑर्डर कैसी, खुशबू तो आती है, बदबू तो नहीं आती है, राइट? मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, राइट? डेंसिटी क्या है, भारी है कि हल्का है. सो दीज आर कॉल्ड वट वी कॉल, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकली हमको देखने से मालूम चलते हैं, वी कैन महसूस कर सकते हैं. वेयर इज द केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कंबस्टिबिलिटी मीन्स आग लगाओगे तो जलेगा कैसे, तेज जलेगा, हल्का जलेगा या नहीं जलेगा. रिएक्टिविटी एसिड्स, एसिड से कैसे रिएक्ट करता है और बेसिस से कैसे रिएक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो दीज आर, कोई भी मैटर हो उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकली भी केमिकली. तो आप इनके बेसिस से बता लगा सकते हो कि ये कौन से मैटर की हम बात कर रहे हैं या कौन से सब्सटेंस की बात कर रहे हैं. एंड द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर ऑकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. यदि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे कि उसके कलर को या ऑर्डर को या मेल्टिंग पॉइंट को, तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन होने की ज़रूरत नहीं है. कि आप केमिकल रिएक्शन करोगे या चेंजेस होंगे तभी आप पता लगा पाओगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है. सो क्या रिक्वायरमेंट होता है? होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से करते हैं. ये क्या होता है क्वांटिटेटिव? जिसको आप एक क्वांटिटी में, नंबर्स में डिफाइन कर पाओ, लाइक लेंथ कितना लंबा है, उसका एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेंसिटी क्या है, राइट? सो दीज आर वॉट, दीज आर फिजिकल क्वान्टिटीज़. तो वो फिजिकल क्वान्टिटीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मीन्स इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वान्टिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकें, मीन्स उनको क्वान्टिफाई कर सकते हैं. तो उनको बोलते हैं क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इफ़ आई से 6 मीटर, तो हम क्या बोल रहे हैं, इज़ अ लेंथ. हम फिजिकल क्वांटिटी जो प्रॉपर्टीज़ है या सब्सटेंस है या मैटर है उसकी हम लेंथ की बात कर रहे हैं, जिसमें 6 इज़ अ नंबर. ये नंबर क्या है? नंबर तो है 6, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डिजिट है. पर ये नंबर इज़ बेसिकली रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ व्हाट, हमने लेंथ मेज़र की उसका रिजल्ट है. या हम बहुत बोलते हैं आउटपुट है. आपने कहा कि भाई ये स्केल है, इसकी लेंथ बताओ, तो आपने बता दिया साहब ये 6 मीटर लंबा है, ओके? और ये मीटर जो एम है वो क्या है, उसकी यूनिट. तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब डिस्क्राइब करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, तो वी ऑलवेज यूज़ अ नंबर या रिजल्ट और उसके साथ एक यूनिट. तो हमेशा दो चीज़ होती है, डिजिट और उसके साथ यूनिट होना ज़रूरी है. एंड एज अ रिजल्ट देयर वर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर डेवलप्ड, लाइक इंग्लिश सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम क्या बोलते हैं, FPS, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम बोलो, या जब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के सिस्टम की, तो वो हमेशा फुट पाउंड एंड सेकेंड की बात करते हैं. मींस डिस्टेंस हम फुट में नापेंगे, पाउंड में हम वेट मेज़र करेंगे या मास मेज़रमेंट करेंगे, और टाइम को सेकेंड में मेज़र करेंगे. बट इफ़ यू टॉक अबाउट मीट्रिक सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, MKS, मीन्स डिस्टेंस मीन्स लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड्स. एंड सेम वे में द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI सिस्टम डेवलप हुआ. आपने अपनी फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, तो ये सिस्टम डेवलप हुआ. ये सिस्टम जो डेवलप किया उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, तो उसका नाम क्या था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मैनेजमेंट या BIPM. इन्होंने 1961 के अंदर और अभी रिसेंटली 2018 में अपने सिस्टम को फर्दर रिफाइंड किया. यदि हम इंडिया की बात करें, अपने देश की, तो हमारे देश में भी एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जिसको NMI बोलते हैं, और इसके अंदर एक लेबोरेटरी है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी या NPL, जो कि ध्यान रखती है कि हम अपने इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसमें यदि किसी को कोई डाउट होता है तो दे विल टेक केयर ऑफ. जैसा कि हमें मालूम है कि इंटरनेशनल सिस्टम या SI यूनिट्स कितनी होती हैं, 9 टाइप्स की होती हैं. ये हमने कहाँ पढ़ा था, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में. और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहले फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, देन दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू. और एक चीज़ और भी आपने नोट की होगी कि यदि आप NCERT के अपने 11th क्लास के फिजिक्स की बुक्स में अपेंडिक्स देखेंगे,
सो देयर आर नंबर ऑफ अपेंडिक्स विद रेस्पेक्ट टू मेजरमेंट, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस क्या होते हैं. लाइक प्रीफिक्सेस मीन्स बहुत बार हम यूज़ करते हैं, ये आपने वर्ड सुना होगा मिली, एम से शो करते हैं, माइक्रो, नैनो है ना, पीको, माइक्रो मीन्स 10^-6. अब ये तो प्रीफिक्स है, यदि इसके आगे कुछ लगा दिया जाए, मतलब इससे बाद में कुछ लगाया जाए, जैसे एमएम कर दें, तो आपने किसी चीज़ को मेज़र करें मिलीमीटर में, और मिली मीन्स 10^-3 मीन्स 1000 ऑफ अ मीटर. यदि मैं ऊपर एम लगा दूँ तो वो क्या हो गया, माइक्रोमीटर. माइक्रो मीन्स 10^-6 मीन्स 1/10^6 ऑफ अ मीटर. सेम वे में नैनो मीन्स होता है 10^-9 -9, तो नैनोमीटर कर दूंगा मीन्स मीटर का इतना पार्ट, 1/10^9, राइट. या मैं बोलूँ 1 × 10^-9, यही मतलब हुआ नैनोमीटर, जैसे मिली हुआ. तो ये सब क्या होते हैं, प्रीफिक्स, क्योंकि देखो यूनिट से आगे लगाया जा रहा है, क्लियर है. और ज़्यादा यदि आपको समझना है तो प्लीज़ रिफर अपेंडिक्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स बुक, या फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप रिवाइज कर लें, या मेरा ही ट्यूटोरियल देख लें आप. ओके, नाउ क्योंकि हम बात कर रहे थे मैटर की एंड उसके मेजरमेंट की, तो जब भी हम मैटर की बात करते हैं ना, उसमें हमारे लिए चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. जब भी आप केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होंगी. क्या है, मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर. तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले मास एंड वेट को समझते हैं. सो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मास. तो यू विल से कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास होता है. ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में. और वेट क्या हुआ, वेट हम बोलते हैं व्हाइल वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब ये जो सब्सटेंस है वो किस स्पेस में है, किस जगह पर है. सपोज कहने का मतलब कि वो अर्थ पर है, कि मून पर है, कि सैटर्न पे है, कि सन पर है. अलग अलग जगह ग्रेविटी क्या होगी, अलग अलग होगी. तो उनकी ग्रेविटी की वजह से इस सब्सटेंस के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज़ कॉल्ड वेट. वेयर एज जो मैटर के अंदर जो मास है, या जो सब्सटेंस के अंदर जो मैटर है टोटल, वो उसका मास होगा. जैसे आपकी बॉडी का शेप आज की डेट में, आप 11th क्लास में हो, इतने मोटे, इतने लंबे, इतने चौड़े हो, राइट. तो यू विल हैव अ सर्टेन मास. इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं आपको उठा के यदि कहाँ पे ले जाऊँ, मून पर ले जाऊँ, क्या आपका मास चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी चेंज होगी? नहीं, आपका मास सेम रहेगा बट योर वेट विल चेंज, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी क्या होगी, 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. तो आपका बोलेंगे आपका वेट, आप हल्के हो जाओगे 1/6. यदि 60 kg के हो तो वहाँ कितने हो जाओगे, 10 kg का फील करोगे आप. ओके, वेरी गुड. सो द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. इसका मतलब यही हुआ कि मास किधर चले जाओ कभी चेंज नहीं होता है. वेयर एज द वेट मे वेरी. क्यों वेरी करता है, ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, क्योंकि हर जगह स्पेस में ग्रेविटी चेंज होती रहती है. स्पेस में क्या, अर्थ में भी आप यदि जमीन पर हो, मीन्स नॉर्मल प्लेन में हो, तो आपके वेट अलग होगा, और इफ़ यू गो टू एवरेस्ट योर वेट विल बी डिफरेंट, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. और यदि अर्थ में ही स्पेस में ऊपर चले जाओ थोड़ा सा, राइट, जहाँ पे वैक्यूम नहीं है, मतलब एयर स्टिल इट इज़ एयर, तो आपका वेट फर्दर डाउन हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी कमज़ोर हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज वी हैव एन आयरन पीस जिसका मास है 5 kg, एंड मेरे पास ये है कॉटन, उसका भी मास है 5 kg. अब ये दोनों मास सेम कैसे हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर इज डिफरेंट. यहाँ पे आयरन पार्टिकल्स इकट्ठे किए हुए हैं, यहाँ पे हमने कॉटन के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बोलो, कॉटन को इकट्ठा किया हुआ है. तो कॉटन के मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर साइज होता है. एज अ रिजल्ट 5 kg जब हम कॉटन की बात करेंगे तो हम दिस मच अमाउंट ऑफ कॉटन की बात कर रहे हैं, तभी उसका मास कितना होगा, 5 kg. यदि मैं आयरन के पार्टिकल्स की बात करूँगा, या एटम्स की बात करूँगा, या मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा, एटम्स जुड़ जुड़ के एक उन्होंने बनाया, तो उसका 5 kg इतना होगा. अब ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, कैसे पता लगाते हैं, वी यूज़ बैलेंस, तराजू यूज़ करते हैं, उसके एक साइड कॉटन रखते हैं और एक साइड यदि आयरन का पीस रखते हैं, तो यदि ये बैलेंस 100% हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये वाला मास और ये वाला मास दोनों क्या है, सेम है. पर आप मेरे कहने से ही मान जाएंगे कि ये दोनों मास सेम है क्योंकि ये बैलेंस हॉरिजॉन्टल है. नहीं, आपको नहीं मानना चाहिए, बट ये मैं आपसे ऐसे कहूँ कि ये बैलेंस हॉरिजॉन्टल है. वो किस केस में हॉरिजॉन्टल रहेगी, जब मैं इधर जो फोर्स लगाऊँ, मीन्स
इस साइड में जो फोर्स लगाऊं और मैं इस साइड में फोर्स लगाऊं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस एंड राइट साइड ऑफ द बैलेंस, यदि मैं सेम फोर्स लगाऊंगा तो मेरा ये बैलेंस क्या होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी। और इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इस आयरन बार पर या कॉटन के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे कि एक आदमी यदि अपने सिर के ऊपर ये केले रख के ले जा रहा है, केले बेचने वाला है, तो मीन्स ये केले का यदि मास एम के जी है, सपोज़ ये 5 kg होते, जैसे ये 5 kg कॉटन या ये है, तो 5 kg का मास लेके ये घूम रहा है, राइट। बट इसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, जैसे इन दोनों के ऊपर लग रहा है, आयरन बार और कॉटन के ऊपर, तो किधर लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। यदि ये जी है, ये एम है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलरेशन, एस्केलरेशन इसका इस केस में क्या है, जी, तो एम इंटू जी, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और हमने क्या बोला था, मास की वजह से जितना फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वेट। अब मैं फोर्स बोलूँ या वेट बोलूँ, तो इस आदमी के सिर पर जितना फोर्स लग रहा है, जितना उसको नीचे वजन लग रहा है, दैट इज़ वट इज़ कॉल्ड वेट। एंड 5 kg इज़ द मास, मास की यूनिट है kg, वेयर इज द वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अर्थ में जी की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली हम क्या लेते हैं, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये 8 है, ग्रेटर देन 5 तो क्या हो जाएगा, 10। तो वी समटाइम्स वी टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट हमारे कैलकुलेशन थोड़े ईजी हो जाए। और ये जो भी कुछ हम चीज़ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बिकॉज ऑन अर्थ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, तो दिस इज द जी, द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू इज ऑन अर्थ। पर यदि ये सेम जी की वैल्यू यदि मैं कहाँ जाऊँ, मून पर जाऊँ, तो क्या होती है, 1/6 ऑफ दिस, तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, 1/6 हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा इस पर, मास तो आपका सेम रहेगा, इतने केले 5 kg हैं, 5 केले यहाँ ले जाओगे आप, वो उतने ही रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, राइट, तो वो तो उतने ही रहेंगे। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो पुल जो लगेगा इन केलों के ऊपर ऑन द मून विल बी 1/6, जो जी की वैल्यू क्या होगी, 1/6 होगी वहाँ पे। तो ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा आपका, 1/6 हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, जब आपका कोई पूछता है आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलते हो, 60 kg, 60 kg तो आपका मास है, वेट नहीं है। तो हम वेइंग यूनिट पे जब खड़े होते हैं, तो वी आर बेसिकली, व्हाट वी आर मेजरिंग, वी आर मेजरिंग अवर मास, नॉट वेट। वेट के लिए उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यूनिट विल बी न्यूटन। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब ये तो हो गई बड़े बड़े मास की बात करी, मीन्स केजीज में हम बात करें, बट हम केमिस्ट्री के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ में बात करते हैं, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। तो उसके लिए जो हमारे बैलेंस होते हैं ना, बड़े छोटे से होते हैं, और उनको ना सोफिस्टिकेटेड ऐसे बॉक्सेस में रखा जाता है, जिसमें चारों तरफ ग्लास होते हैं, सो दैट हवा भी इन बैलेंस को हिला ना पाए, क्योंकि हवा से ये बैलेंस थोड़ा सा भी हिल गया तो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, मैं 5 kg नापना है, हो सकता है वो 5 ग्राम नापना है, तो वो 5.1 ग्राम हो जाए। इसलिए हम इसको एयर टाइट एनवायरनमेंट में रखते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो हमारे ये जो बैलेंस हैं, ये भी एडवांस होते जा रहे हैं। लाइक लेटेस्ट, यदि आप लेबोरेटरीज में जाएंगे, यू विल फाइंड इस बैलेंस की जगह आपको इस टाइप की मास मेजरिंग मशीन मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। और इसमें देखो आप, यू कैन मेजर अप टू हाउ मनी 0.0000, मीन्स अप टू 4 decimal, मीन्स ग्राम में मेज़र कर रहे हैं, बट यू आर मेजरिंग अप टू 4th decimal। तो इतने लेवल तक भी आप मेज़र कर सकते हो, मीन्स पॉइंट, मतलब ग्राम को भी यदि 3 0 से डिवाइड करोगे क्या होगा, माइक्रोन, और माइक्रोन से भी और जीरो किया, मीन्स 10^-7 kg आप बोल सकते हो, उतने तक डिवाइड कर सकते हैं आप, मतलब मेज़र कर सकते हैं। एंड इसको भी देखो ग्लास में रखते हैं, क्यों, क्योंकि हम हवा से, को भी हवा का भी वेट पड़ेगा, हवा यदि फ्लो कर रही है तो इसको अनबैलेंस करेगी, एज अ रिजल्ट यहाँ पे मास हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हमको रिएक्शन बहुत प्रिसाइज लेवल में करना होता है, राइट, ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द वॉल्यूम। अब आपने मास तो जान लिया, 1 mg या माइक्रोग्राम, आपने कोई सब्सटेंस लिया उसका रिएक्शन करना है, तो यू मस्ट नो द वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो यू नो वेरी वेल क्या होता है, वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। जैसे आप कितने मोटे या कितने पतले हैं, और स्पेस में, हवा में कितनी जगह घेर रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ वॉल्यूम। या इन जनरल हमने क्या बोलते हैं, इट हैज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ की पावर 3।
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज़ द वॉल्यूम, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था। और यदि इसकी डायमेंशन क्या बोलेंगे, एल की पावर 3, दैट इज़ द डायमेंशंस। और यदि आपको डायमेंशन क्लियर नहीं है तो क्या पढ़ना है आपको, क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ओके, यदि हमने लेंथ मेजर की मीटर में, तो ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी वॉल्यूम की, मीटर क्यूब। और यदि सेंटीमीटर में करते तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। और डेसीमीटर में मेज़र की तो क्या हो जाएगी, डेसीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम की यूनिट्स जो होती हैं वो मीटर क्यूब, इस टाइप से होती हैं। पर यदि हम केमिस्ट्री में जब लैब में जाते हैं तो हम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में बात नहीं करते हैं, वी ऑलवेज टॉक इन द वर्ड कॉल लीटर। और लीटर भी बड़ी यूनिट हो गई, नॉर्मली वी टॉक इन मिलीलीटर्स, राइट। अब ये लीटर और ये वॉल्यूम डेंस या मीटर क्यूब, इनमें कोई रिलेशन होता है और कैसे याद रखना है आप? तो ये क्या शेप है, इज अ क्यूब, एक क्यूब है। इसके अंदर हमारी सपोज इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 10 सेंटीमीटर, और इसकी मीन्स ऑल डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर ऑल 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। आप यदि एक ऐसा क्यूब बना लेते हो तो मैं आपसे इसका वॉल्यूम पूछूंगा, तो यू कैन टेल मी इजीली, क्या बताओगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सबकी पावर ऐड होगी, दैट इज 3। तो क्या बोल सकते हैं, वी कैन से 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। पर मैंने लेबोरेटरी में क्या बोला, लैब के केस में हम लीटर में बात करते हैं। दूध लेते हो ना, नॉर्मली बहुत से लोग किलो में लेते हैं, 1 किलो दूध 2 किलो दूध, या 1 लीटर या 2 लीटर, दोनों एक जैसे होते हैं दूध के केस में अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 इस क्यूब का। यदि मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब को बोलूँ तो इज़ इट इक्वल टू 1 लीटर, ये एग्जैक्टली 1 लीटर होता है। यदि हम कोई भी क्यूब लें जिसकी साइज़ 10 बाई 10 बाई सेंटीमीटर है, जो साइड वॉल्यूम है, या तो मैं उसको बोलूँगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या मैं उसको 1 लीटर बोलूँ। अब यदि कोई आदमी दूध वाला एक ऐसा डिब्बा लेके आता है जिसकी डायमेंशन 10 बाई 10 बाई 10 है, दैट मीन्स उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो यदि वो उसमें दूध भरेगा या पानी भरेगा या कोई भी लिक्विड भरेगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर ही होगा। तो 1 लीटर की डेफिनेशन क्लियर। तो 1 लीटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, इसमें दूध भरो पानी भरो या कुछ भी भरो तो वो क्या होगी, 1 लीटर ही होगा। याद रखोगे हमेशा 10 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, वेरी गुड। अब यदि 10 सेंटीमीटर को हम बोल डेसीमीटर भी बोलते हैं, 1/10 of a meter, दैट इज़ डेसीमीटर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वॉल्यूम 1 × 1 × 1 decimeter cube, या बोलेंगे 1 decimeter cube, या 1 decimeter cube इज इक्वल टू 1 लीटर, ये भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, दोनों चीज़ सेम ही है, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, हर साइज़ के ना हम इसके 10 10 पार्ट कर देते हैं, और दैट मीन्स यदि मैं इसका यहाँ से एक ब्लॉक निकालूंगा तो इसके यदि मैं 10 पार्ट करूँगा तो इसके डायमेंशन निकालूंगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से ज़्यादा 1 1 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ भी वॉल्यूम भी सब बराबर 1 सेंटीमीटर होंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 सेंटीमीटर × 1 × 1, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। मैं कैसे बोल रहा हूँ 1 मिलीलीटर, क्योंकि ये 10 है 10 है 10 है, तो हम इसको 1 मिलीलीटर सेंटीमीटर को यदि मिली बनूंगा तो 1000 मिलीलीटर्स होंगे, 1000 ही तो होंगे। ये देखो ऊपर ध्यान से देखो, चलो ऐसे देख लो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 को हम क्या बोल सकते हैं प्रीफिक्स में मिली, तो क्या हो जाएगा, 1 मिली सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने लीटर से लिख दिया तो मैं मिलीलीटर लिख सकता हूँ। दैट मीन्स यदि आपसे कोई बोले, आपको दिमाग में आपको सोचना है कि 1 मिलीलीटर कितना होता है, तो आपको याद रखो कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर एक छोटा सा क्यूब। बेसिकली आप लूडो खेलते हो, सो लूडो में जो क्यूब्स यूज़ की जाती हैं वो करीब करीब 1 सेंटीमीटर की होती है, तो 1 सेंटीमीटर पर उतना जितना वॉल्यूम आएगा दैट इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीलीटर वाटर लेना है कि कुछ भी लेना है तो वो उतना ही होता है। दूध का डिब्बा जो होता है वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर उसका 1 लीटर होता है, ऐसे याद रखो, क्लियर है, वेरी गुड। अब हमको यदि 1 मिलीलीटर मेज़र करना है, तो यदि आप लैब में जाएंगे, हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं,
तो वहाँ पे हम ऐसे क्यूब वगैरह लेके नहीं चलते, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, हाथ जल सकते हैं। बहुत से केमिकल्स से जल भी आते हैं, बहुत से नहीं भी जलते हैं। तो हम क्या रखते हैं, वी यूज़ ब्यूरेट। ये ब्यूरेट इस टाइप का होता है, इसमें यहाँ पे एक नॉब होती है, आप इसको ना इसमें चीज़ों को भर लेते हैं, और जब आप यहाँ से इसको ऐसे खोलेंगे तो आप यहाँ से 0 से 1 तक जाएंगे, तो 1 ml, फिर 2 ml, 3 ml, तो आप कंट्रोल वे में किसी में कोई चीज़ मिक्स कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्यूरेट। इसमें हम फिल कर लेते हैं, और हमको ये मालूम होता है कि हम 0 से लेके 50 तक हैं, मीन्स मैं धीरे 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 खाली करता हूँगा, उतना ही मटेरियल नीचे जाएगा, उतना ही लिक्विड या केमिकल नीचे जाएगा। और भी बहुत सारे होते हैं, यदि आप इसमें भरने में प्रॉब्लम होती है तो लोग इस टाइप के यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं पिपेट। सो बेसिकली पाइप है, और पाइप में बस यहाँ कम होल का डायमीटर कम है, यहाँ ज़्यादा है। इसको क्या करते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं हाथ से, इस पर थंब ऊपर नहीं लगाते, पहले साइड से पकड़ते हैं और इसको लिक्विड में डुबो देते हैं, राइट। तो लिक्विड इसमें चढ़ जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे थंब से बंद कर लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। वैक्यूम होगा तो यहाँ जिस लाइन यहाँ दी हुई है वहाँ तक भरते हैं, तो दैट मीन्स इसमें कितना लिक्विड आ गया। तो ये जैसे ये वाली पर्टिकुलर पिपेट है, कितने साइज़ की है, 2.5 ml, या 2.5 है, 25 है, इस 25 ml, तो दिस इज़ 25 ml लिक्विड आ गया। अब हमको इसको कहीं डालना है 25 ml, तो ईजीली हम वी कैन यूज़ इट। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। थोड़ा और ज़्यादा यदि लेना है आपको, 1 ml, 2 ml की या 25 की जगह 50, 20, 60 लेना है, तो इस टाइप के आपके, इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर मीन्स उनके ऊपर ऐसी मार्किंग की हुई है जिससे यू कैन मेजर कि इसमें कितना हमने भरा है। जैसे यहाँ पे हमने भरा हुआ है अराउंड 60 ml, क्लियर। एक और भी होता है, यदि आपको कभी कभी लीटर में भी यूज़ करना पड़ता है, तो ऐसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं जिसमें मार्किंग की होती है, और आपको ये होता है कि जब आप इस नेक तक यहाँ तक भर देंगे तो द वॉल्यूम इज़ 1 liter, ओके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लास्क या इंस्ट्रूमेंट्स लेबोरेटरी में हमें केमिस्ट्री की लैब में मिलेंगे। एंड दीज आर ऑल वट, दीज आर ऑल मेजरिंग डिवाइसेस इन ऑर्डर टू मेजर वट, वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेंसिटी। जो भी चीज़ हमने ली उसका हमको मास भी मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, तो डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। एंड डेंसिटी आपने पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब इसकी यूनिट कोई पूछे क्या होगा, मास की यूनिट आपको मालूम है क्या होती है, kg, वॉल्यूम की क्या होगी, m³, राइट। यही पढ़ा था हमने, ये दीज आर कॉल MKS सिस्टम में, SI सिस्टम के अंदर यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो kg बोले पर मीटर क्यूब, या kg मीटर क्यूब को ऊपर ले जाए तो kg मीटर -3, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। द यूनिट, दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज। तो जो हम डेंसिटी kg मीटर, kg पर मीटर क्यूब बोलते हैं ना, बहुत बड़ी होगी। तो हम अभी बात क्या कर रहे थे, मिलीग्राम में बात कर रहे थे या मिली लीटर में बात कर रहे थे, तो केमिस्ट के लिए ये यूनिट बहुत बड़ी होगी। तो वो लोग क्या कहते हैं, दे ऑफन यूज़ द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसमें यूज़ करेंगे, kg ना यूज़ करेंगे, ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मली केमिस्ट, केमिस्ट कौन, जो केमिकल लैब में काम करते हैं। वेयर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वैल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, यदि डेंसिटी आपके दिमाग में आता है तो मैं आपको पूछूं सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यू विल से हम कि हमने ये सीखा और ये हमने फिजिकली भी फील किया। आप बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है, गैस। क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स या एटम्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा गैप ज़्यादा होता है, एंड गैस में तो बहुत ही ज़्यादा गैप होता है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ये हल्के होंगे, ये और थोड़ा भारी होंगे, ये और भारी होंगे, भारी मतलब उनकी डेंसिटी बढ़ गई, क्लियर, वेरी गुड। जैसे हमने क्या देखा था, 5 kg का हमने एक बार लिया था या बट्टा लिया था और कॉटन ली थी, दोनों मास दोनों 5 kg थे, बट दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था, क्योंकि उनका मास तो सेम है। यदि डेंसिटी के फॉर्म में देखो, मास सेम हो गया पर वॉल्यूम डिफरेंट, एक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी क्या होगी, कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम एंड डेंसिटी। यहाँ देखो, ये इसकी वॉल्यूम बहुत कम, मास सेम है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा। डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जितना कम वॉल्यूम, मीन्स इसको भी मैं दबाता जाता तो डेंसिटी क्या होती, बढ़ती जाती, क्लियर। तो डेंसिटी आपको फील करने में समझ में आ गया, ओके। सो द मास आर सेम बट डेंसिटी आर डिफरेंट, सो डेंसिटी ऑफ दिस आयरन पीस इज मोर कम्पेयर टू, और जो जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट, ओके।
Now the last and important thing for the matter is the temperature. This is a very important property. Temperature आपको मालूम ही है. अब इसके बारे में हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं कि देर आर थ्री कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर. यदि आपको किसी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम अलग अलग स्केल यूज़ करते हैं. अब हम अलग अलग स्केल इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अलग अलग टाइप्स के टेम्परेचर, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र कर रहे होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर मेज़र करना है, राइट, कभी बहुत लो टेम्परेचर मेज़र करना है, तो यदि हम सेम टाइप का स्केल यूज़ करेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेज़र करना. जैसे आप यदि बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो मैं आपसे पूछूं आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, या आपको बुखार आता है तो आपका कितना टेम्परेचर होता है, तो आप बोलोगे सर करीब 97 के आसपास ना, या 100 से ऊपर हो जाता है ना, तो इट इज़ वेरी डेंजरस. 100 से ऊपर क्या, कुछ यूनिट होती होगी? आप नॉर्मली नहीं बोलते हो यूनिट, आपको याद नहीं होती है सर मेरा टेम्परेचर ना 100 डिग्री बढ़ गया, 100 डिग्री हो गया था. पानी बोल कितने पर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपका मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड था क्या? नहीं, दैट मीन्स कुछ और यूनिट थी. व्हाट इज़ दैट यूनिट? दैट मीन्स मेरा जो बॉडी का 100 डिग्री जो मैं बोल रहा हूँ और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी उबलता है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें. क्यों अलग है? क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं. तो बस वही समझ लेते हैं. ओके, तो एक स्केल होता है सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना. तो एक सेल्सियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया. एक साइंटिस्ट थे केल्विन साहब, उन्होंने बोला केल्विन स्केल, उन्होंने अपना स्केल नया बना दिया, बोला मैं तो ये यूज़ करूँगा. अनदर साहब थे, उन्होंने बोला फ़ारेनहाइट, उन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल बना दिया. अब ये तीनों स्केल हैं क्या क्या, पर तीनों ने, मज़े की बात क्या है, तीनों ने चीज़ एक ही यूज़ की. क्या यूज़ की? पानी. सबको ये मालूम था कि पानी को ठंडा करो तो जम जाता है और गर्म करो तो बॉयल होने लगता है, और वो हमेशा एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होता है और एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज़ हो जाता है, राइट. जब सेल्सियस साहब ने उसको देखा, इन्होंने देखा, या केल्विन साहब ने देखा, या फ़ारेनहाइट साहब ने देखा, तो उन्होंने अपने अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसका नामकरण कर दिया, राइट. ओके, सेल्सियस साहब ने बोला कि भाई 0 डिग्री पर पानी जो है जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, राइट, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है. केल्विन साहब ने कहा नहीं भाई, मैं तो केल्विन हूँ, मैं तो ये बोलूँगा 273.15 केल्विन पर पानी जो है सॉलिड हो जाता है. मतलब तो एक ही है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, पर इन्होंने उसको बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एज पर केल्विन स्केल इज दिस मच. वेयर इज फ़ारेनहाइट साहब बोले ना तुम्हारा ना मेरा, मैं तो बीच का लूँगा. ही सेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द वाटर. But everybody, whether it is Kelvin, Celsius or Fahrenheit, all the three scientists were talking about what? Freezing of water. That means ये सब चीज़ एक ही की चीज़ की बात कर रहे हैं. इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, यदि कोई बोलेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 273.15 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेम वे में उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट को भी सबने अलग अलग बोला. सेल्सियस वाले ने बोला इट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज केल्विन ने बोला इट इज़ 373.15 केल्विन, वेयर एज फ़ारेनहाइट ही सेड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. हुआ कुछ क्लियर? कुछ कन्फ्यूज़न? दोनों में से एक चीज़ तो हो गई, या तो क्लियर होगा या कन्फ्यूज़न होगा. क्लियर हो गया, मीन्स सब लोग एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, पर अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने थे ये लोग, इसलिए इन्होंने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, ठीक है. ओके, अब यदि इन स्केल्स को ध्यान से देखो, तो देखो ये 0 से 100 है, तो इन्होंने कितने डिवीज़न किए. यदि मैं एक स्केल लूँ टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, या थर्मामीटर टाइप की चीज़ लूँ, तो उन्होंने 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड में बात करूँगा, 0 से 100, दैट मीन्स उन्होंने पानी के फ्रीजिंग से बॉइलिंग पॉइंट के जो डिस्टेंस है उसके बीच का, उसको 100 डिवीज़न में डिवाइड किया. वेयर एज यहाँ पे भी आप देखोगे 273.1 और 370 माइनस करोगे तो इट इज़ 100 डिवीज़न ओनली. वेयर एज 32 और इनको माइनस करोगे तो देर इज़ अ डिवीज़न ऑफ 180. तो सेम चीज़ बॉइलिंग से फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को इन्होंने 100 में डिवाइड किया, वेयर इन फ़ारेनहाइट के केस में 180 डिवीज़न उन्होंने किए. इससे एक चीज़ समझ में आई हमको कि यदि मैं सेम चीज़ पे थर्मामीटर लेता हूँ और सेम चीज़ का टेम्परेचर मेज़र कर रहा हूँ,
तो यदि एक साइड में मैं सेंटीग्रेड किया मतलब स्केल बनाऊंगा तो फ़ारेनहाइट स्केल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस को मान लो यहाँ से लेके जीरो है, यहाँ है जीरो इसका, राइट। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कितना करना पड़ेगा, टोटल 180 डिवीज़न करने के उतने ही डिस्टेंस के, वेयर एज इस केस में 100 करेंगे, दैट मीन्स इन स्केल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ फोटो में डिफरेंट नहीं लग रहा है बट डिफरेंट होगा, ओके। सो यदि मैं यहाँ बोलूँगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में कह रहा हूँ 32, तो मेरा ये इक्विवेलेंट यहाँ होगा यहाँ पे करीब 32, यहाँ कहीं थोड़ा सा नीचे ऊपर होगा, थोड़ा सा गलत दिख रहा है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। जबकि बात दोनों किसकी बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट की। केल्विन क्या ना, अभी जो हमारी SI यूनिट में हमने पढ़ा था 9th 11th क्लास में फिजिक्स में, कि केल्विन इज़ अवर स्टैंडर्ड SI यूनिट, पूरे वर्ल्ड वाइड में आप केल्विन यूज़ करते हैं। यदि कोई साइंटिस्ट यदि बात करेगा, कैलकुलेशन करेगा, वो केल्विन में करेगा, डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नहीं करेगा। यदि वैल्यू दी भी हुई है तो वो कन्वर्ट उसको केल्विन में कर लेगा। तो उन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट जीरो मीन्स जीरो केल्विन, 273.15 केल्विन इज द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वेर इज यदि कोई बोले एब्सोल्यूट जीरो मीन्स टेम्परेचर हम घटाते गए कितने नीचे तक जा सकते हैं, जीरो तक, जीरो से ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते। जीरो क्या, जीरो केल्विन। तो किसी चीज़ को दुनिया में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यदि कहीं पर भी दुनिया में होगा वो कितना होगा, जीरो केल्विन। इसलिए इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और वो बढ़ते 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 आगे तक है, एंड देन ही सेड कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 केल्विन। इसका मतलब मैं यदि केल्विन स्केल यूज़ करता हूँ तो मिनिमम टेम्परेचर जीरो से लेके और इनफाइनिट टेम्परेचर तक मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे अपने स्केल को चेंज नहीं करना पड़ेगा। वेयर एज यदि केल्विन से पहले यदि जब हम डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते थे, तो मैं किसी चीज़ को ठंडा करता जाऊंगा, मींस 0 डिग्री, -1, -2, -3 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं ना, कि आज श्रीनगर में टेम्परेचर इज़ -25 डिग्री सेंटीग्रेड, या लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ इज -68 या 72 डिग्री सेंटीग्रेड इन साइबेरिया समवेयर, राइट। तो माइनस में हम बात करते हैं, और सेम वे में यदि मैं बोलूँ कि द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच वी कैन गो, या एब्सोल्यूट जीरो सेल्सियस में कितना होगा, कि मीन्स हम कितने बार नीचे चले जाएं, ये जीरो पे इतना है तो इसको जीरो करना होगा, दैट मीन्स वी विल से -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन, दैट मीन्स इससे कम टेम्परेचर दुनिया में नहीं हो सकता। यदि मैं सेंटीग्रेड में बात करूँगा तो हम बोलेंगे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हम टेम्परेचर में जा ही नहीं सकते। इसलिए आप देखेंगे है ना, गैसेस को आप धीरे धीरे ठंडा करते जाओ तो 180, 190, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सारी गैसें लिक्विडिफाइड मोटा मोटी हो जाती हैं, उससे नीचे आप जा ही नहीं पाते, राइट। और जब और ज़्यादा नीचे जाते हैं तो सब चीज़ यहाँ तक कि एब्सोल्यूट जीरो पे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन भी जो घूम रहे होते हैं ना, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो भी स्टैंड स्टिल हो जाएंगे थियोरेटिकली, क्योंकि हम इस टेम्परेचर तक आज तक पहुँचे नहीं हैं। तो क्या होता है, हर चीज़ स्टेशनरी होने लगती है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ एब्सोल्यूट जीरो, इसके बाद कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमारे को यदि कोई चीज़ डिग्री सेंटीग्रेड में दी है या फ़ारेनहाइट या केल्विन में दी है, तो एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करें, उनमें कोई रिलेशन या फार्मूला होता है? यस, देयर इज़ अ फार्मूला, और उसको याद रखने का देखो बहुत सिंपलेस्ट तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि हमने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात की, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात की। यदि मैं ऐसे लिखूं फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 0 - 100 डिग्री, इनका डिफरेंस कितना आएगा 100, और इनके बीच में हमने कितने डिवीज़न किए इसमें 100, तो दिस इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 100 इज़ ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी यूनिट में लूँ, सेल्सियस में लूँ, केल्विन में लूँ, फ़ारेनहाइट लूँ, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा उतना ही होगा। इसको इनको माइनस करूँ, इसको माइनस करूँ, या इनको माइनस करूँ, और जितने नंबर ऑफ डिविजन्स मैंने लिए यदि उससे डिवाइस करूँगा, ऑलवेज वैल्यू विल बी 1। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 और डिवीज़न 100 किए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवीज़न किए हमने 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180, डिवीज़न कितने 180, दैट मीन्स दोनों को यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी 1।
तो इससे तो एक बहुत अच्छी चीज़ मालूम चली, इफ़ आई राइट दिस वे कि 0 - 100 / 100 = 1, तो सेम वे में आई कैन राइट 273.15 - 373.15 / 100, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, और आई कैन राइट 32 - 212 फ़ारेनहाइट / कितने डिवीज़न 180, इस इज़ ऑल्सो 1। तो अब देखो मेरे को एक तीन इक्वेशन मिल गई, ये दोनों को मैं देखूं तो मैं देख सकता हूँ कौन किसके बराबर होता है। तो मैं यदि क्या करता हूँ, देखो इसमें हमने क्या किया, ये जीरो, अब मेरे को मान लो ना ये सब, ये तो आपको याद ही है। अब मेरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मेरे को बोलूँ मैं कोई किसी चीज़ का टेम्परेचर आपने मेज़र करना है, यदि सेंटीग्रेड में बोलोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मान लो उसका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, तो मैं बोलूँगा 0 - डिग्री सेंटीग्रेड जो भी टेम्परेचर मैं मेज़र कर रहा हूँ सेंटीग्रेड में / 100। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 273 - जो भी उसका टेम्परेचर होगा, तो आई कैन राइट केल्विन में। ये 32 तो मिनिमम है, वो टेम्परेचर क्या है जिसको मैं मेज़र करना चाहता हूँ, वो क्या है फ़ारेनहाइट, तो मैं आई कैन राइट 32 - फ़ारेनहाइट / 180। अब इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, सेंटीग्रेड और केल्विन ने तो बहुत ईजी है, देखो ये जीरो जीरो यहाँ से मैं काट दूँ तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, सी इज इक्वल टू या केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा, जब भी निकालना है केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15, जीरो में 273.15 कर दूँ तो क्या हो जाता है उतना केल्विन, सिंपल फार्मूला। ओके, इसको यदि हटाएं और यदि मैं इसको और इसको एक दूसरे को देखा, बीच वाले को भूल जाओ, तो आई कैन राइट सी अपॉन 100, जीरो का तो मतलब नहीं है, सी अपॉन 100 इज इक्वल टू 32 - f / 180। या तो आप ऐसे याद रखो, या आपको फास्ट कैलकुलेशन करने हैं तो इसको सिंप्लीफाई यदि कर दोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 9/5 × c + 32। इसी फॉर्मूले को 32 - f / 180 c/100 यदि मैं कर दूँ तो क्या आंसर आएगा, देखो मैं यहाँ से दिक्कत बताता हूँ कैसे आया आंसर, 0 से 0 कट गया, देन 2 5 = 10, 2 9 = 18, और ये 9 नीचे है तो क्या आएगा, c से मल्टीप्लाई होगा, देखो c से मल्टीप्लाई होगा 9, 5 नीचे है तो 5 क्या होगा, नीचे आ जाएगा 9/5 c, प्लस ये 32 - f है, यदि इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ क्या हो जाएगा, +32। दैट मीन्स फार्मूला क्या हो गया, फ़ारेनहाइट इज ऑलवेज, क्योंकि देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स 32 से एक तरह से स्टार्ट ही हो रहा है, तो 32 इसको यदि मैं इस साइड ले जाऊँ लेफ्ट में, तो 32 + 9/5 × c, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, 32 + समथिंग, प्लस समथिंग मीन्स 9/5 × c, और आप इसको 5/9 याद नहीं रखना, ऐसे याद रखो वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगी, 9/5 × c, या और याद रखने का, क्योंकि 32 - f / 180 होता है, 9 क्या होगा नीचे होगा, तो मीन्स जब फ़ारेनहाइट में करोगे तो 9 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, क्लियर हो गया ये फार्मूला, वेरी गुड। अब यदि ये क्लियर है, और यदि मैं आपको ना थर्मामीटर देता हूँ 3, और उनमें एक में टेम्परेचर जो लिखा हुआ है उसमें केल्विन स्केल है, एक में सेल्सियस स्केल है, एक में फ़ारेनहाइट स्केल है, तो आप देखोगे कि उसके अंदर मर्क्यूरी होता है, थर्मामीटर में क्या होता है मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी जब जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता है मीन्स को एनर्जी आती है तो वो इसकी लेंथ बढ़ती जाती है, यही होता है, जब हम एब्सोल्यूट जीरो बोल रहे होते हैं उसका मतलब होता है उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई, तभी तो मैं बोल रहा था इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं, जो न्यूक्लियस से होता है उनकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। तो अब देखो क्या हुआ, यदि केल्विन में यदि तीनों ये स्केल हैं, तीनों बस क्या लिख दिया हमने, डिफरेंट लिख दिया है कि केल्विन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट लिख दिया है इन थर्मामीटर्स में, तो एक में लिखा होगा 0, एक में होगा 32, एक में होगा 273, ये क्या होंगे, दिस इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये जब ये राइज करेगा तो 0 डिग्री से 100 डिग्री में जाएगा, तो 100 डिग्री का क्या है, ये क्या हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका 100 डिग्री होगा तो इस पर यहाँ क्या लिखा होगा 212 और इसमें 373 केल्विन, सिर्फ यही फ़र्क होगा और कुछ नहीं लिखा होगा डिफरेंस, मतलब मेजरिंग स्केल की यहाँ जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, तो हमारा ये थर्मामीटर एक केल्विन का होगा, एक सेल्सियस का होगा, एक फ़ारेनहाइट का होगा। ओके, अब एक और चीज़ देखो, यदि आपसे पूछता है कि रूम टेम्परेचर, बोलते हैं ना रूम टेम्परेचर, एसी का रूम टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए, सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द रूम टेम्परेचर, इज स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, राइट, तो उसका इक्विलेंट क्या होगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट पर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और यदि केल्विन में क्या होगा 298 क्यों, इसमें 25 + 273 ऐड कर दो, नॉर्मली 0.15 को हम भूल जाते हैं, यदि आप साइंटिस्ट हो गए तब तो आप 0.15 रखोगे, जब तक आप स्टूडेंट है यू विल यूज़ 273, तो 25 + 273 मीन्स 298 केल्विन।
अब यदि मैं आपसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट में क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप बोलते हैं ना मेरा बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री नहीं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक को नहीं मालूम होता है इसलिए दे इसे 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री तो पानी में बॉईल करने लगेगा, यहाँ पे आपकी बॉडी 100 होती तो उससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 212 फ़ारेनहाइट हो गया, तब तो आप मर गए होते। हम तो बोलते हैं 100 से ऊपर 102 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट ही आपके लिए डेंजरस है। दैट मीन्स 101 102 इक्विवेलेंट निकाल लो, 37 में कुछ ऐड होगा मे बी 40 के आसपास, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गए तो आप मरे जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर आपके सेल्स जलने लगेंगे, राइट। इसलिए क्या करते हैं आपकी मम्मा आपके सिर के ऊपर क्या रखते हैं, कोल्ड वाटर के क्लॉथ्स रखते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर को डाउन लाया जाए, नहीं तो माइंड गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, क्लियर, वेरी गुड।